हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। उम्मीद है कि वो सभी बातें आपको समझ आई होंगी जो कल की क्लास में हमने आपको बताई थी। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। वो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। आज हम लोग बात करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कहाँ करेंगे, किस किस जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और किस किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। समझ आ रही बात? चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा आज के जो हमारे नए टॉपिक का नाम है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सिग्निफिकेंस की बात करनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आज का हमारा नया टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा कैसे करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यार, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन अगर कहीं बनी हुई आएगी तो उसे आप नाम देंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है अपने पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम जानते हैं बेटा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर फिनिश होता है। ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर फिनिश होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमारे पास में रहेगी वो कैपिटल ई रहेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमारे पास में रहेगी वो कैपिटल ई रहेगी। अब आप देखिए बेटा, मान लीजिए कि मैंने एक चार्ज को यहाँ रखा लाकर। ये पहला पॉइंट है हमारे पास में। ये बहुत सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप ध्यान से देखें। मैंने एक चार्ज को यहाँ ला के रखा, चार्ज है प्लस क्यू, और ये चार्ज ना बेटा अभी रेस्ट में मैंने यहाँ लाकर रखा है। ये जो चार्ज है ये रेस्ट में मैंने लाकर रखा है। मैंने एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रख दिया, ये मैंने यहाँ चार्ज लाकर रख दिया और ये चार्ज अभी रेस्ट में है। अब आप ये देखिए बेटा कि अगर ये चार्ज रेस्ट में होगा तो इसका मतलब तो यह है कि शुरुआत में ये रेस्ट में है, तो इस चार्ज की जो इनिशियल वेलोसिटी होने वाली है, इस चार्ज की जो इनिशियल वेलोसिटी होने वाली है जिसे हम लोग यू बोलते हैं, वो हो गई ज़ीरो, क्योंकि चार्ज अभी रेस्ट में है। अरे भैया, चार्ज अभी रेस्ट में है या नहीं है? और चार्ज अगर रेस्ट में है, शुरुआत में अगर चार्ज रेस्ट में है, इसका मतलब चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। अब क्या होगा बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव से तो करेगा रिपल्शन, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से तो रिपेल होगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी प्लस माइनस की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। ये प्लस इस माइनस की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, ये प्लस माइनस की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। और जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है ना बेटा, तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम करता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है क्यू ई। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो F इक्वल टू क्यू ई है ना बेटा हमारे पास में, इसे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा और नेगेटिव की तरफ जाते हुए इस पर जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स की वैल्यू हमारे पास में होगी क्यू ई। क्यू का मतलब है चार्ज और कैपिटल ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस चार्ज के ऊपर इस तरफ इतना फोर्स काम करेगा F इक्वल टू क्यू ई। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। जब इस चार्ज ने इस नेगेटिव की तरफ जाना स्टार्ट किया तो नेगेटिव की तरफ जाते हुए इसके पास में एक एक्सीलरेशन भी होगा। जब कोई चार्ज किसी तरफ मूव करता है तो उसके पास में एक्सीलरेशन भी जरूर होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसके पास में एक्सीलरेशन भी होगा।
तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को लिख दिया F इक्वल टू क्यू ई। हम मोशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने इसे लेट किया इक्वेशन नंबर वन और हमने इसे लेट किया इक्वेशन नंबर टू, और दोनों इक्वेशन को हमने आपस में रख दिया है बेटा इक्वल। हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को आपस में रख दिया है इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारे पास में वो है क्यू ई, और इक्वेशन सेकंड है हमारे पास में एम ए। यहाँ से एक्सीलरेशन की जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में, ये निकल कर आएगी क्यू ई अपॉन एम। ये हमारे पास में एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल कर आ गई बेटा। कई बार हमसे पूछा जाता है कि बताइए चार्ज का एक्सीलरेशन कितना होगा, तो चार्ज का एक्सीलरेशन निकालने का तरीका हमारे पास में है ये क्यू यानी पार्टिकल का चार्ज, कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एम है हमारे पास में मास। ये हो गया एक्सीलरेशन, ये है इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें चाहिए बेटा वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर टी टाइम। देखो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टी टाइम, यानी कुछ देर के बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। भाई शुरुआत में तो हमने पार्टिकल को यहाँ से ले जाकर यहाँ रखा और पार्टिकल रेस्ट में था, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई ज़ीरो। एक्सीलरेशन हमारे पास में हो गया इतना, अब हमें वेलोसिटी चाहिए टी टाइम के बाद में, यानी जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा ना, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है। तो बेटा कुछ देर के बाद में वेलोसिटी निकालने के लिए हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारे पास में मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप देखिए बेटा v का मतलब है वेलोसिटी आफ्टर t टाइम। भाई u तो हमारे पास में ज़ीरो हो ही गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। एक्सीलरेशन की जगह हमने लिख दिया ये क्यू ई अपॉन एम, और टी हो गया हमारे पास में टाइम, यानी कुछ देर के बाद में पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी, वी इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम और साथ में है टाइम। कुछ देर के बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी होने वाली है बेटा, ऐसे हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, यानी टी टाइम के बाद में फाइनल वेलोसिटी अगर आपको कहीं फाइंड आउट करनी है तो ये रूल आप इस्तेमाल में लेकर आएंगे। तो एक तो मैंने निकाल दिया बेटा एक्सीलरेशन, और एक मैंने निकाल दी है वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिलेंगे, और ये तो मात्र एक शुरुआत है, ये तो सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट है, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे बेटा। सबसे पहले आप इन्हें नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आते हैं बेटा हम लोग पॉइंट नंबर सेकंड पर। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये हमें दे रखी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है भैया, ठीक है। और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्लस से स्टार्ट होता है, और प्लस से स्टार्ट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ख़त्म होता है माइनस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है 2×10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बेटा, 2×10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यहाँ है अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट में है, यानी ये इलेक्ट्रॉन शुरुआत के अंदर रुका हुआ है। आपको बताना है कि जैसे ही हमने इसे ले जाकर यहाँ रखा, इसके एक सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर वन सेकेंड। हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर
1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होने वाली है? अब आप देखो बेटा, हमने इलेक्ट्रॉन को ले जाकर यहाँ रखा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, यू हो गया 0। ये इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी इधर जाएगा, इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स देखो कितना काम करेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया स्मॉल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई कैपिटल ई, इतना फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मैंने बताया था ना कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई, क्यू यानी चार्ज और ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना फोर्स काम करेगा। और इस फोर्स को हम बराबर रखेंगे एम ए के, एम ए यानी मास इंटू एक्सीलरेशन के, इलेक्ट्रिक फोर्स को एम ए के इक्वल रखेंगे। और जैसे ही हमने इसे एम ए के इक्वल रखा, एक्सीलरेशन निकल गया बेटा हमारे पास में स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। अब आप देखो स्मॉल ई की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, स्मॉल ई है 1.6 × 10⁻¹⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 2 × 10⁻³। और मास की वैल्यू है अपने पास में 9 × 10⁻³। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का मास है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, चार्ज इतना, मास इतना। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। ये हमारा एक्सीलरेशन निकल गया, लेकिन हमें एक्सीलरेशन नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था आप ये देखिए, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर आपको 1 सेकेंड के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है ना बेटा, तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। क्या है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन? मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बोलिए है या नहीं है? ये हमारे पास में मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप देखो बेटा, v इज इक्वल टू, भाई u तो हो गया 0, क्योंकि शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट में था, इसीलिए u 0 हो गया। एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई हमारे पास में इतनी 1.6 × 10⁻¹⁹, 2 × 10⁻³, 9 × 10⁻³, और टाइम की जगह आ गया 1। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो आंसर आएगा अपने पास में मीटर पर सेकंड के अंदर, मीटर पर सेकंड में, यानी इतनी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, इतनी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की 1 सेकंड के बाद। एक तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मोशन करेगा, एक्सीलरेशन इतना होगा, वेलोसिटी इतनी होगी। मान लो इसके साथ साथ हमें यह भी बताना है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर बाय इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस कवर बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। अब देखो यार, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए तो मैंने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो। अब आप ये देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? हम सेकेंड इक्वेशन से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं और हम थर्ड इक्वेशन से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसने कहा कि 1 सेकेंड के बाद में कितने डिस्टेंस होगी आपको ये बताना है, तो 1 सेकेंड के बाद में डिस्टेंस निकालने के लिए हम मोशन की सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे बेटा। यानी 1 सेकेंड में ये जो इधर गया है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ गया है, इसने 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की है? तो u की जगह तो अपना 0 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई t में करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, s बन गया अपने पास में हाफ, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास में पहले से है, ये रही एक्सीलरेशन की वैल्यू, और टाइम हमें दे रखा है, टाइम की वैल्यू है 1 का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी कि 1 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस कवर करेगा। अभी सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, इस टॉपिक में भी हम बहुत बेसिक लेवल पर हैं अभी, धीरे 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 लेवल हम राइज करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ आई होंगी और कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगी। नोट डाउन कर लीजिए।
देखो बेटा, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है अपने पास में? अब आते हैं हम थर्ड कंडीशन पर। देखो थर्ड कंडीशन क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया है ऑलरेडी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है वो इस डायरेक्शन में दिया है बेटा ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और इधर है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है कैपिटल ई, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि ये डायरेक्शन हो गई एक्स की और ये डायरेक्शन हो गई वाई की। यहाँ इस बार बेटा हमें एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है, और ये कहा कि इस बार इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वह है v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट i कैप। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी है। अब ध्यान से डायग्राम को देख ले बेटा इस बार अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। अब तक हमने जो प्रीवियस की दो कंडीशन पढ़ी उसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था और रेस्ट में रहने के बाद में इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या तो प्लस की तरफ मूव कर रहा था, यानी अट्रैक्ट हो रहा था प्लस की तरफ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से चल के आ रहा है और जब वो पहले से चल के आ रहा है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है वी नॉट, और ये जो आई के ऊपर कैप लगा रखा है ना बेटा, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ये एक्स एक्सिस है इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में हो गई वी नॉट के इक्वल। ये हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी हो गई, यानी इस बार इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है बेटा, इस बार इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास में अपनी इनिशियल वेलोसिटी है इस बार। और कितनी है शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग में वेलोसिटी है वी नॉट, ठीक है। अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश कर रहा है, यहां जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये क्या है नेगेटिव, ये भी क्या है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा और एक कंडीशन ये आएगी कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मोशन कर रहा था, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से रिटार्डेशन होगा और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता रहेगा उसकी स्पीड कम होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी और फाइनली इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ जाएगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी तो है वी नॉट लेकिन फाइनल वेलोसिटी है जीरो। समझने वाली बात है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी तो है वी नॉट और फाइनली इलेक्ट्रॉन को आना है रेस्ट में, तो वी हो गया अपने पास में जीरो। वी की वैल्यू हमारे पास में हो गई जीरो, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में जीरो है। तो हमें दो बातें बतानी है, एक तो ये बतानी है कि इलेक्ट्रॉन ने रेस्ट में आने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये एक्स। इलेक्ट्रॉन ने रेस्ट में आने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये एक्स हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में आने में कितना टाइम लगा है, एक हमें ये बताना है। सबसे पहले हम रिटार्डेशन निकालते हैं। देखो बेटा, फोर्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कैपिटल ई हमारे पास में। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, या आप माइनस मत रखिए, माइनस ना रखिए यहाँ पर। इतना फोर्स काम कर रहा है बेटा हमारे पास में, ये फोर्स काम कर रहा है हमारे पास में, एफ इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया स्मॉल ई और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कैपिटल ई। हमने इस फोर्स को बराबर रख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन के, हमने इस फोर्स को बराबर रख दिया है एम ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन के। यहाँ से जो हमारा एक्सेलरेशन निकल कर आएगा उसकी वैल्यू होगी स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। साथ में मैंने माइनस का साइन लगा दिया, माइनस इसलिए लगाया जिससे कि ये रिटार्डेशन को शो कर सके। रिटार्डेशन आप समझते हैं, स्पीड के कम होने को शो कर सके, इसीलिए मैंने माइनस का साइन यहाँ लगा दिया बेटा। एक फोर्स का फॉर्मूला हो गया स्मॉल ई कैपिटल ई, एक फोर्स हो गया हमारे पास में एम ए। मैंने माइनस यहाँ अपनी तरफ से लगा दिया बेटा, मैंने माइनस यहाँ अपनी तरफ से इसलिए लगाया जिससे कि ये शो कर सके कि स्पीड कम हो रही है, ठीक है।
अब आप देखो, इनिशियल वेलोसिटी तो है वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी है जीरो, और हमारे पास में रिटार्डेशन है इतना। सबसे पहले हमें निकालना है टाइम, ठीक है, टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट, यानी उसे रेस्ट में आने में कितना समय लगने वाला है। नंबर वन, अब आप देखो कि मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है क्या। भाई मोशन की फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में ये है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, हमने v की जगह रख दिया जीरो, u की जगह हमने रख दिया v नॉट, a की जगह हमने रखा माइनस स्मॉल e कैपिटल e अपॉन m, और साथ में है t कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, v नॉट इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल e अपॉन m इंटू t, और टाइम की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी एम वी नॉट अपॉन स्मॉल ई कैपिटल ई। लो भैया, इतना टाइम लगेगा पार्टिकल को रेस्ट में आने में। अगर ये पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो माइनस और माइनस में रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन की वजह से ये यहाँ आकर रेस्ट में आ जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में इतना टाइम इसे लगेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा। अब आपको ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप मोशन की सेकेंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और मोशन की थर्ड इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। आप मोशन की सेकेंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आप मोशन की थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम लगाते हैं मोशन की थर्ड इक्वेशन। देखो बेटा, अब मोशन की थर्ड इक्वेशन है हमारे पास में ये, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। बस आपको एक काम करना है, v की जगह रखना है जीरो, यहां रख दिया हमने जीरो, u की जगह रखना है v नॉट स्क्वायर, a की जगह रखना है माइनस स्मॉल e कैपिटल e अपॉन m, और साथ में हो गया x अपने पास में। सॉल्व करेंगे तो यहां से x निकल जाएगा बेटा, कि इस पार्टिकल को रेस्ट में आने में, जब वो रेस्ट में आएगा तो इतने डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से आप x को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया हो ये जो तीन पॉइंट अभी तक मैंने आप लोगों को बताए हैं बेटा। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए हों जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताए हैं। बहुत आसान पॉइंट हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, बड़े प्यार से बड़े आराम से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट करके मैंने आप लोगों को समझाया है बेटा। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बना हमारे पास में, पॉइंट नंबर 4। इस तरीके का सवाल कई बार पूछ लिया गया है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारे पास में ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पर फिनिश हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है कैपिटल ई। ठीक है, अच्छा यहां है मेरे पास में माइनस ई यानी इलेक्ट्रॉन, और यहां है मेरे पास में प्लस ई यानी प्रोटोन। ठीक है, हमें इन दोनों के एक्सीलरेशन का रेशो बताना है कितना होगा। हमें ये बताना है कि इन दोनों के एक्सीलरेशन का रेशो कितना रहने वाला है। फाइंड आउट द रेशो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सबसे पहले आप ये देखिए बेटा कि इलेक्ट्रॉन जाने वाला किधर है और प्रोटॉन किधर जाने वाला है। सबसे पहले आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन किधर जाने वाला है और प्रोटॉन किधर जाने वाला है। हम ये कहेंगे कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और जब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा तब इसका एक्सीलरेशन होगा a1, नेगेटिव प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो पॉजिटिव है ये जाएगा नेगेटिव की तरफ, इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो a2 होगा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही हो। अब आप देखो बेटा एक्सीलरेशन लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन लिखते हैं।
एक्सीलरेशन लिखने का तरीका है इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई और इलेक्ट्रॉन का मास एम ई। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर वन। ये हमारे पास में डायरेक्ट एक्सीलरेशन लिखने का तरीका है बेटा। अब आते हैं प्रोटॉन का एक्सीलरेशन लिखते हैं, देखते हैं कि प्रोटॉन का एक्सीलरेशन कितना होगा। देखो बेटा ए टू इज इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज इतना ही होगा स्मॉल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है कैपिटल ई क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अपॉन में आएगा प्रोटॉन का मास हमारे पास में एम पी। ये हो गई अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई अपने पास में सेकेंड इक्वेशन। हमें निकालना है इन दोनों के एक्सीलरेशन का रेशो। हमने फर्स्ट इक्वेशन को उठाकर सेकेंड इक्वेशन से किया डिवाइड। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट बना बेटा हमारे पास में ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम ई। यहां बना स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम पी, स्मॉल ई कैपिटल ई से स्मॉल ई कैपिटल ई कैंसिल आउट, हमारे पास में निकल कर आया एम पी अपॉन एम ई। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो एक्सीलरेशन का रेशो होगा वो उनके मास के रेशो के इक्वल होगा बेटा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक्सीलरेशन का जो रेशो होगा वो उनके मास के रेशो के इक्वल होगा। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसे हम लोग डिस्टेंस निकालने वाले हैं बेटा। इस तरीके से हम कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन, ये प्रोटॉन का एक्सीलरेशन, दो इक्वेशंस हमने बना दी, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा बन जाएगा। अगर ये पूछा गया बताइए इलेक्ट्रॉन ने कितने डिस्टेंस कवर की, हमने माना भाई इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस कवर की है वो है एक्स वन, और प्रोटॉन ने जो डिस्टेंस कवर की है टी टाइम के अंदर वो है एक्स टू। टी टाइम में इसने जो डिस्टेंस कवर की है, इलेक्ट्रॉन इधर गया है, प्रोटॉन इधर गया है, एक ने डिस्टेंस कवर की है एक्स वन, एक्स वन को हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए वन टी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन मैंने लिख दी है। मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगाकर टी टाइम में इलेक्ट्रॉन ने कितनी डिस्टेंस चली है वो मैंने यहाँ लिख दी है बेटा। मैंने ये लिया है जीरो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मैंने ये माना है कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था। अगर बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशन में प्रोटॉन के लिए लिखूं तो ये बनेगा जीरो इंटू टी प्लस हाफ, यहाँ आएगा ए टू और यहाँ आएगा टी स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड थर्ड इक्वेशन और ये हो गई हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन। अब जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे, देखो ये तो जीरो हो ही जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो डिस्टेंस का जो रेशो होगा वो एक्सीलरेशन के रेशो के इक्वल होगा, और एक्सीलरेशन का रेशो हम पहले ही मास के रेशो के बराबर निकाल चुके हैं बेटा। सो एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम ई। ये कंडीशन पूरी हमारे सामने निकल कर आएगी। उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ हो कि कैसे मैंने प्रोटॉन का एक्सीलरेशन निकाला है और कैसे मैंने इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन निकाला है और कैसे मैंने उन दोनों को डिवाइड करके डिस्टेंस का रेशो इज इक्वल टू एक्सीलरेशन रेशो मास रेशो के इक्वल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना बेटा हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आती हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे बात को। जल्दी से नोट डाउन करिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हम अपने पास में, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लिया करो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये है, देखो ये हमें एक रिजिड सपोर्ट दी गई है कुछ ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक थ्रेड के साथ
एक बॉडी को अटैच कराया गया है ऐसे। बॉडी पर जो चार्ज आपको दे रखा है यह है प्लस क्यू, बॉडी पर जो चार्ज आपको दे रखा है यह है प्लस क्यू, और हमें यह कहा गया है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास में ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हमें ये एंगल बताना है कितना होगा, थीटा एंगल, ठीक है। और अगर ये वाली, ये एंगल तब बताना है जब ये वाली बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, पहले तो ये बताओ क्या सभी बच्चे इस वर्ड का मतलब समझते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्या सभी स्टूडेंट जानते हैं कि फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जानना तो चाहिए क्योंकि 11th आप लोगों ने पढ़ ली है। चलिए अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम के हम दो मतलब निकालते हैं। पहला मतलब कि बॉडी पर काम करने वाला टोटल फोर्स जीरो है। एक मतलब तो यह है इक्विलिब्रियम का कि बॉडी पर काम करने वाला जो टोटल फोर्स है वो जीरो है। और दूसरा मतलब यह है जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं कि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा बिल्कुल उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, जितना फोर्स ऊपर काम करेगा बिल्कुल उतना ही नीचे काम करेगा। यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करने वाले फोर्सेस होंगे ना बेटा वो आपस में इक्वल होंगे। ये इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मीनिंग है जिसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। इक्विलिब्रियम यानी अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे। अब आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव से। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो फिनिश होता है वो नेगेटिव पर फिनिश होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है कैपिटल ई। अब आप ये देखो बेटा कि ये जो प्लस क्यू है ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी इस तरफ अट्रैक्ट होगा, और इस तरफ इस पर जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू होगी, चार्ज कितना है क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई। यानी इस बॉडी पर इस तरफ जो जितना फोर्स काम कर रहा है उसका नाम है क्यूई। इस डायरेक्शन में क्यूई फोर्स काम करेगा। अगर इस बॉडी का मास एम है तो मास की वजह से एक फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा जिसे हम लोग नाम देंगे एम जी, मास इंटू ग्रेविटी। एक फोर्स हमारा काम करेगा नीचे की तरफ जिसे हम बोलने वाले हैं एम जी, मास इंटू ग्रेविटी। देखो ये चार्ज प्लस क्यू, इधर माइनस, तो प्लस क्यू जाएगा माइनस की तरफ, एक फोर्स काम कर रहा है इधर क्यू ई। अगर बॉडी का मास एम है तो एक फोर्स नीचे काम कर रहा है जिसे हमने नाम दिया है एम जी। दो फोर्स तो हमने इसके ऊपर बना दिए बेटा। अब आप देखो थ्रेड के अंदर एक टेंशन काम कर रही होगी जिसका नाम होगा टी। उसके बाद आप देखो बेटा, उसके बाद आप देखो ध्यान से जरा, अगर थ्रेड के अंदर टी टेंशन काम कर रही है ना, अगर थ्रेड के अंदर टी टेंशन काम कर रही है, गौर करने वाली बात है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। अब आप देखो ये टी है, ये थीटा है, जिस तरफ एंगल बनता है आप 11th में भी पढ़ चुके हैं और मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो लग जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर लग जाएगा हमारे पास में टी साइन थीटा। इस टी के मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दी है। अब आप ये देखो कि इस बॉडी पर ना चार फोर्स काम कर रहे हैं बेटा, चार फोर्स। एक फोर्स की वैल्यू है क्यू ई, एक फोर्स की वैल्यू है टी कॉस थीटा, एक फोर्स की वैल्यू है टी साइन थीटा, एक है एम जी। तो जो t sin थीटा है वो बैलेंस कर लेगा QE को, प्लस माइनस की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ mg काम कर रहा था, mg t cos थीटा को बैलेंस करेगा। चलो लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए जो t sin थीटा है वो बैलेंस करेगा QE को, और जो t cos थीटा है वो बैलेंस करेगा mg को। हमने इसे नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट और हमने इसे नाम दिया इक्वेशन सेकेंड। दोनों को डिवाइड करते हैं आपस में, फर्स्ट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। टी से टी कैंसिल आउट,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और यहाँ बन गया हमारे पास में क्यू ई अपॉन एम जी। ये हमारे पास में रिजल्ट निकल कर आएगा बेटा कि ये जो एंगल होने वाला है थीटा, ये हमारा इतना होने वाला है टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई हो। अब जितनी भी बातें मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, मैं तो भाई उम्मीद ही कर सकता हूँ आप लोगों से, और तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे दूर बैठे हुए हैं। होमवर्क आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे भेजते नहीं हैं, पता नहीं क्या उन लोगों को भाई लगता है कि होमवर्क क्यों नहीं भेजते हैं। तो मैं यार एक बहुत छोटा सा काम हमने दिया है, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम तो हमने आप लोगों को दिया नहीं है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास में, एक घंटा निकाल लो और फिजिक्स का लेक्चर देख लो। अपनी तरफ से कुछ भी करने की आवश्यकता आप लोगों को है नहीं। मैं इतने क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ करा दूंगा, इतने क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ करा दूंगा, मतलब मैं नहीं कह सकता हूँ कि इतने क्वेश्चन कोई और आप लोगों को करा सकता है जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ और आगे भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। अगर बस उन्हीं क्वेश्चंस को आप फॉलो करके चलें तो कोई नीट का एग्ज़ाम, कोई मेंस का एग्ज़ाम, कोई एडवांस का एग्ज़ाम टिकेगा नहीं आपके सामने। बड़े प्यार से आप लोग बना देंगे सभी क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगे। देखो हर एक चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है, सभी चीज़ों को मैं एक साथ एकदम से लाकर आपके सामने नहीं रख सकता हूँ क्योंकि हर कैटेगरी का बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बच्चा भी है और एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है, तो मुझे सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे मैं लेवल राइज कर रहा हूँ, चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करें बेटा, आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट करें और रिपीट करके हमें सेंड करें, इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करें और रिपीट करके हमें सेंड करें। रिपीट करो, सेंड करो, रिपीट करो, सेंड करो। ज़्यादा ही करना चाहते हो तो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर लगा लो, ठीक है। JEE वाले बच्चे SC वर्मा लगा दो, जो डाउट आ रहे हैं वो हमसे क्लियर कर लो, ठीक है। तो आज का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा यहीं तक है, कल हम सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक ही कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा काम इसके अंदर और हम लोगों को करना है। जितना मैंने काम आपको बताया ये आप अच्छे तरीके से करके लेकर आइएगा बेटा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे, एज यूजुअल कूलम्स लॉ क्वेश्चंस मैं आपको उसके ऊपर बता रहा था, अब उन्हीं क्वेश्चंस को एक दो को हम और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो जरा प्रॉब्लम क्या है आज हमारे पास में, कल एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसी क्वेश्चन को मैं एक बार और आपके सामने बताना चाहूँगा थोड़ा अलग तरीके से, मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है। रॉड आपको दे रखी है, रॉड के ऊपर टोटल चार्ज है क्यू, रॉड की लेंथ आपको दे रखी है एल, ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद आपको कहा, ध्यान से जरा देखिएगा, यहां से डी डिस्टेंस पर, यहां से डी डिस्टेंस पर एक चार्ज आपको ये दे रखा है और ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। यहां से d डिस्टेंस पर एक चार्ज आपको ये दे रखा है और ये है प्लस q। रॉड और चार्ज के बीच में आपको फोर्स बताना है कितना काम कर रहा होगा, ये रॉड है और ये चार्ज है, इनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा आपको ये बताना है। अब बेटा आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि बड़ी बॉडीज पर हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बड़ी बॉडीज पर कूलम्स लॉ अप्लाई हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए हम रॉड के अंदर से एक छोटा सा पीस कट करके अलग कर देंगे। एक छोटा सा पीस हमने कट करके अलग कर दिया, इसकी चौड़ाई को हमने बोल दिया dx, इसके चार्ज को हमने बोल दिया dq, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने बोल दिया x, ये डिस्टेंस को हमने बोल दिया x, ठीक है। हम पूरी रॉड को भूल गए, पूरी रॉड को भूल गए, हमने सिर्फ इतने से पीस को याद रखा, सिर्फ इतने से पीस को याद रखा, इसके और इसके बीच में कूलम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ये स्मॉल पीस और ये चार्ज। चलो भैया करते हैं अप्लाई, df इज इक्वल टू 1/4πε0। बताइए इस छोटे से पीस का चार्ज कितना है, इस छोटे से पीस का चार्ज है dq, यहाँ का चार्ज कितना है q, और इनके बीच के डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। देखो बेटा आगे हम कैसे बढ़ेंगे, df इज इक्वल टू 1/4πε0, यहां है अपने पास में dq, यहां है q, अपॉन में है x स्क्वायर। देखो अब dq को मैं क्या लिखने वाला हूं,
गौर करके, डी क्यू को मैं लिखूंगा बेटा पूरी रॉड का चार्ज है क्यू और पूरी रॉड की लंबाई है एल, पूरी रॉड के चार्ज को क्यू को पूरी रॉड की लंबाई से डिवाइड करके डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में क्यू अपॉन में आएगा एल और साथ में आएगा डी एक्स। ये हमारी डी क्यू की वैल्यू है, ये जो येल्लो में यहाँ लिखी हुई है, पूरी रॉड का चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ एंड मल्टीप्लाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो आगे, हमने दोनों तरफ ले लिया इंटीग्रेशन, इस तरफ आ गया जीरो से लेकर एफ, देखो इस तरफ क्या आएगा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यहां से रॉड के एक किनारे तक की डिस्टेंस और फिर यहां से रॉड के दूसरे किनारे तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी डी माइनस एल, डी माइनस एल। देखो पूरी डिस्टेंस हो गई डी, ये हो गई एल, तो ये हो गई डी माइनस एल और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में डी, तो लिमिट हो गई बेटा हमारे पास में डी माइनस एल से लेकर डी तक, यहां से नियर बाय एंड तक की डिस्टेंस और फिर यहां से इस वाले एंड तक की डिस्टेंस। डी एफ का इंटीग्रेशन हो गया एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, 4 पाई एप्साइलन नॉट और एल ये सब बाहर, अंदर बचा 1/x2, 1/x2 का इंटीग्रेशन माइनस के 1/x, लिमिट है डी माइनस एल से लेकर डी तक, माइनस को ले लेंगे बाहर, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्साइलन नॉट एल, एक बार एक्स की जगह रखेंगे डी, बीच में लगाएंगे माइनस और यहाँ रखेंगे डी माइनस एल। लो बेटा ये हमारा आंसर निकल कर आएगा, रॉड के और चार्ज के बीच में इतना फोर्स हमारा काम कर रहा होगा। इस क्वेश्चन को करने की थोड़ा टेक्निक आप लोग ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक ही यही है कि आप पूरी रॉड के और चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप पहले रॉड का एक छोटा सा पीस निकाल देंगे और उसके और चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करके पूरी रॉड और चार्ज के बीच में आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप लोग करने वाले हो, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसके जैसा हम लोग देखेंगे। देखो बेटा एक और क्वेश्चन इसके जैसा हम लोग देखेंगे, कूलम्स लॉ के ऊपर ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम है। ये रॉड हमें गिवन दे रखी है कुछ ऐसे, ठीक है, रॉड हमें गिवन दे रखी है कुछ ऐसे, रॉड के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और चार्ज की जो डेंसिटी हमें दे रखी है लैम्डा, वो दे रखी है के एक्स, चार्ज की जो डेंसिटी हम लोगों को दे रखी है लैम्डा, वो हमें दे रखी है के एक्स। ठीक है, ओके, रॉड की जो लेंथ है आपके पास में वो है एल, देखो लैम्डा देने का मतलब ये है कि चार्ज हमने यूनिफॉर्म तरीके से नहीं फैलाया है, चार्ज हमने इसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैलाया है, एक पॉइंट एक चार्ज ये है और ये डिस्टेंस भी हमें दे रखी है एल, ये है बेटा प्रॉब्लम हमारे पास में, रॉड हमें दे रखी है, रॉड की लंबाई एल, ये लेंथ एल, ये चार्ज, रॉड के और चार्ज के बीच में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ लैम्डा को देखा और लैम्डा की वैल्यू के एक्स मैंने यहाँ देखी, मैं एकदम से समझ गया कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोग अभी तक कर रहे थे, हल्की सी चीज़ बदल जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप सबसे पहले रॉड के ऊपर एक छोटा सा पीस लेट करिए, इसकी लंबाई आप लेट करिए डी एक्स, इसका चार्ज आप लेट करिए डी क्यू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप लेट करिए एक्स, और इनके बीच में फोर्स कितना काम करेगा, इनके बीच में फोर्स काम करेगा डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट
ये हो गया हमारे पास में डी क्यू, ये हो गया क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई एक्स स्क्वायर। अब डी क्यू देखो बेटा कैसे निकलेगा। डी क्यू याद करिए, मैंने लैम्डा जब आपको पढ़ाया था, लैम्डा का नाम था लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लैम्डा का फॉर्मूला हुआ करता था बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एक्स, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एक्स। अब लैम्डा यहाँ गिवन दे रखा है आपको, लैम्डा गिवन दे रखा है के एक्स। तो डी क्यू की जो वैल्यू है, जैसे अभी तक हम निकाल रहे थे, हम कैसे निकाल रहे थे अभी तक, पूरी रॉड के चार्ज को पूरी रॉड की लंबाई से डिवाइड किया, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी क्यू निकल गया। ये तरीका निकालने का तब था जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। हमें कैसे पता चला नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि लैम्डा हमें दे रखा है, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म है। तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी के एक्स डी एक्स, ये हमारा डी क्यू निकल गया बेटा, ये हमारा यहाँ डी क्यू निकल गया है। अब इस डी क्यू की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, डी एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट के एक्स डी एक्स, साथ में है क्यू, अपॉन में है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट। ठीक है, जरा देखो बाहर कॉमन क्या क्या आ रहा है, मतलब जो कांस्टेंट है उसे बाहर की तरफ रखो, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, फोर पाई एप्साइलन नॉट, अंदर बचेगा वन अपॉन एक्स डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये जीरो से लेकर एफ हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है एल, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, देखो यहाँ से इस किनारे तक की डिस्टेंस तो हो गई एल, और यहाँ से इस किनारे तक की डिस्टेंस हो गई एल और एल टू एल टू एल। अब आप देखो डी एफ का इंटीग्रेशन हो गया एफ के क्यू, अपॉन में है फोर पाई एप्साइलन नॉट। जिन लोगों को पता नहीं है वो आगे से ध्यान रखें, वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो होगा लॉग एक्स, लिमिट होगी एल से लेकर टू एल तक। ठीक है, आइए लिमिट पुट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट लॉग, एक बार एक्स की जगह रखेंगे टू एल, अपॉन में रखेंगे एल, एल से एल फिनिश। ये आ गया हमारा आंसर कि इन दोनों के बीच में इतना फोर्स काम कर रहा होगा बेटा, इतना फोर्स काम कर रहा होगा। तो जिन बच्चों के लिए मैंने ये क्वेश्चन बताया है, मुझे उम्मीद है कि उन्हें समझ में आई होगी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या करना है और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या करना है। ठीक है, ये कूलम्स लॉ के कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स है बेटा हमारी। ठीक है, अभी दो दिन और लगेंगे कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम में, फिर कूलम्स लॉ खत्म हो जाएगा, फिर हम अपना फोकस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर करेंगे बेटा। ठीक है, उम्मीद है कि सभी चीज़ें आपको समझ में आई हो, अच्छे तरीके से नोट करिएगा, अपनी कॉपी में सही तरीके से नोट्स बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।